हेलो एवरी वन दिस इज़ डॉक्टर फरहत पठान टू नो द रीज़न बिहाइंड द रूब्रिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी टेक रूब्रिक्स ब्लाइंडली फॉर रेपरटाइजेशन मेनी टाइम्स इट गिव्स नो रिजल्ट बिकॉज देर इज़ अ होल स्टोरी बिहाइंड सम रूब्रिक्स देर इज़ अ पिक्यूलर स्टेट ऑफ माइंड बिहाइंड द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट एंड दैट शुड मैच फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बोलती है कि मुझे ज़्यादा किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता उससे अच्छा तो ये है कि अपने घर में आँखें बंद करके पड़े रहो अगर आप यहाँ पेशेंट के वर्ड्स उठाकर रूब्रिक बनाते हैं कंपनी एवर्जन टू अवॉइड द साइट ऑफ पीपल एंड लाइज विथ क्लोज आइज जिसमें सेपिया सिंगल रेमेडी है पेशेंट के इस बिहेवियर के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं लेकिन अगर आपको सेपिया मेडिसिन देनी है तो इस रूब्रिक के पीछे सेपिया का स्टेट ऑफ माइंड होना ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे सेपिया की पूरी स्टोरी है जो कि मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी इस रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि सेपिया अपने हस्बैंड बच्चे घर के काम बाहर के काम और कुछ तो अर्निंग भी करती है सबका करते करते वो बहुत थक चुकी है लेकिन उसे अपने घर वालों की तरफ से थोड़ा भी प्यार नहीं मिलता उसे लगता है कि कितना भी करो कोई फ़ायदा नहीं है वो अब बच्चों की केयर करना छोड़ देती है हस्बैंड की तरफ तो वह देख भी नहीं रही है बच्चे क्या कर रहे हैं इन लॉज क्या बोल रहे हैं अब इसको कोई लेना देना नहीं है अब वो किसी को भी ध्यान नहीं दे रही है मतलब उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं उसको किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहा दैट मीन्स शी हैज़ बिकम इनडिफरेंट टू एवरीथिंग डॉक्टर केन्ट सेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट द रेमेडी सीम्स टू एबॉलिश द एबिलिटी टू फील नेचुरल लव टू बी अफेक्शन इट टू इलस्ट्रेट इट इन द लैंग्वेज ऑफ द मदर आई नो आई ऑट टू लव माई चिल्ड्रन एंड माई हजबेंड आई यूज़ टू लव दम

डोर्स एंड विंडोज सेकेंड इज़ स्टॉप टॉकिंग पेशेंट को अब लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है वो लोगों से नजरे चुराती हैं और खुद को घर में बंद कर लेती हैं या फिर वो अपना मुँह ही बंद कर लेती है नेक्स्ट ओब्रेक इज कंपनी एवर्जन टू डिज़ायर सॉलिट्यूड टू इंडल्ज हर फैंसी ओनली रेमेडी इज लैकेसिस इंडल्ज इज टू अलाउ योर सेल्फ टू हैव और डू समथिंग फॉर प्लीजर आनंद के लिए किसी काम में लिप्त होना सॉलिट्यूड इज द स्टेट ऑफ बींग अलोन स्पेशली वेन यू फाइंड दिस प्लीजेंट अकेलापन विशेषतः अच्छा लगने वाला लैकेसियस इज इन द रूब्रिक्स लोकेसियस वाइवैशियस एम्यूजमेंट डिजायर फॉर जेस्टिंग बट इन अ फेल्ड स्टेट शी टर्न रिलीजियस स्पिरिचुअल डेवलप्स एवर्जन टू बिजनेस एवर्जन टू कंपनी टू इंडल्ज इन हर फैंसी पेशेंट अब किसी से भी मिलना नहीं चाहती अपनी इमेजनरी दुनिया में रहकर वो खुश है और इसीलिए वो अकेली रहना चाहती है इस रूब्रिक में सिंथेसिस में स्टेफी सेग्रिया और लैट्रोडेक्टस भी ऐड हुई है नेक्स्ट रूब्रिक इज़ कंपनी एवर्जन टू मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स होम ही इमेजिन्स ही हैज़ ऑफेंडेड ओनली रेमेडी इज़ आर्सेनिक जिन दोस्तों से वो पहले मिलता था उनसे मिलना अब पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा उसे लगता है कि उसने पहले उनका दिल दुखाया है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस रूब्रिक इन पार्ट फोर ऑफ दिस सीरीज द रूब्रिक वॉज एवर्जन दोज अराउंड नेक्स्ट रूब्रिक इज कंपनी एवर्जन टू प्रेगनेंट वेन ओनली रेमेडी इज लैकेसिस जब पेशेंट प्रेगनेंट हो जाती है उसे किसी से भी मिलना अच्छा नहीं लगता सिंथेसिस मेंट्रम यूराटिकम और नक्स मॉश भी ऐड हुई है नेक्स्ट वी विल सी टू रूब्रिक्स टूगेदर Because Dr. Kent has explained these two rubrics in his materia Medica in same paragraph. So the rubric is Company aversion to presence of strangers to people intolerable to her during stool. Only remedies ambra. And second rubric is Company aversion to presence of strangers to people urination during. Only remedies Natrum Muraticum. Dr. Kane says a woman when attended by a nurse is unable to have a stool without sending the nurse into another room. In spite of much straining, she can do nothing unless alone. It is said in Natrum Muraticum that the patient cannot urinate in the presence of other persons. The urine will not start when anyone is around. That is a sort of general feature of this remedy. कन्फ्यूजन ऑफ माइंड एंड एम्बेसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सनस तो एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी की वजह से ये पेशेंट स्टूल यूरिन पास नहीं कर सकते अगर कोई टॉयलेट के बाहर खड़ा हो सिंथेसिस में और भी रेमेडीज ऐड हुई है नेक्स्ट ओबरिक कंपनी एवर्जन टू स्माइलिंग फेसेस ओनली रेमेडी इज़ एम्बरा स्माइलिंग फेसेस मतलब मुस्कुराते हुए चेहरे मतलब पेशेंट को उन लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता जो मुस्कुरा रहे हैं एम्बरा पेशेंट को अगर लोग मिलने आते हैं या पेशेंट को अगर लोगों में जाना पड़े तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है उसे कुछ भी समझ नहीं आता उनसे क्या बात करनी है वो भी वो भूल जाती है और कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं डॉक्टर केन्ट सेज़ कन्फ्यूजन ऑफ माइंड एंड एम्बेरसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन्स एम्बेरसमेंट इन कंपनी

कंपनी एवर्जन टू वॉक अलोन वॉन्ट टू ओनली रेमेडी इज़ कैजूपुटम इसे लोगों का साथ नहीं चाहिए वो अकेला चलना चाहता है नेक्स्ट वो इज डिज़ायर फॉर कंपनी फ्रेंड ऑफ ओनली रेमेडी इज़ प्लम्बम मेट प्लम्बम मेट हैज़ सो मेनी डिल्यूजन्स ऑफ एनिमीज लाइक डिल्यूजन्स परस्यूड बाई एनिमीज डिल्यूजन एवरी वन अराउंड हीम इज अ मर्डरर डिल्यूजन्स ऑल पर्सनस आर डेविल्स डिल्यूजन ही इज अबाउट टू बी पॉइजन एक्सेट्रा उसे लगता है कि उसके आसपास सभी उसके दुश्मन हैं उसका बुरा चाहते हैं उसे मारना चाहते हैं इसीलिए उसे लगता है कि उसका फ्रेंड उसके साथ रहे। सिंथेसिस में कुछ और रेमेडीज ऐड हुई हैं नेक्स्ट वो इज डिज़ायर फॉर कंपनी मेंसेस ड्यूरिंग ओनली रेमेडीज स्ट्रामोनियम द रिएक्शन ऑफ स्टैमोनियम टू एनी बैड सिचुएशन इज फियर शी बिकम्स फियरफुल And wants company. Wants to cling to somebody. And menses is a terrifying situation for a woman who wants to be pregnant. And in such situation, she desires company. Next rubric is desire for company yet treats them outrageously. Only remedy is kal. Outrageous is unacceptable, offensive, violent or unusual. Hindi mein bolte hai apmaan कालिकार पेशेंट में बहुत सारे डर होते हैं इसीलिए वो अकेला रह ही नहीं सकता लेकिन जिनके साथ वो रहता है जिन पर वो डिपेंडेंट है उन्हीं से झगड़ा करता है किसी ने कुछ बोल दिया तो वो चुप नहीं बैठता वो तुरंत झगड़ा करने पर आ जाता है क्योंकि वह बहुत चिड़चिड़ा और सनकी होता है डॉक्टर कैंट सेज अबाउट कालीकार द पेशेंट इज़ विम्जिकल इरासिबल इरिटेबल टू द वेरी हाइस्ट डिग्री quarrels with his family and with his bread and butter. He never wants to be alone. Is full of fear and imaginations. When alone, fear of the future, fear of death, fear of ghost. Next rubric is Complaining Offenses of Long Past. Only remedy is Kalkiria Kaal. Offense is a crime, an illegal action or the act of upsetting or insulting somebody. एंड complain इज टू से दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड with और हैप्पी अबाउट समथिंग शिकायत करना बहुत सालों पहले जो बातें हुई है जिनसे वो खुश नहीं हैं उनकी वो आज भी शिकायत करती रहती है वो बातें बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है लेकिन पेशेंट के मन से ये बातें निकलती नहीं हैं और चाहे कितने भी साल हो जाए ये उसके बारे में बोलती रहती है कंप्लेन करती रहती है Dr. Kane says she thinks and talks of murder, fire, rats, etc. Your patient may talk about other foolish things, but it is only to illustrate the idea that she sits and talks about foolish things and cannot control herself thinking, thinking, or expressing it. Talking, talking, talking. Next rubric is complaining, supposed injury of. Only remedy is hyosamus in synthesis, rubric is complaining injury of imaginary, and cross reference of feeling sick to be is given. so complain is to say that you have a pain or illness. Bimari ke bare mein batana. so what is supposed? suppose is assume as true, regardless of fact that is imagined. and injury is harm done to a person's body by anything. हायरसेमस पेशेंट ऐसे तकलीफ के बारे में कंप्लेन कर रहा है जो कि रियल नहीं है उसे ऐसा लग रहा है कि उसके बॉडी को किसी चीज़ से तकलीफ हो रही है या होगी ये उसका डिल्यूजन होता है इसीलिए हाईसेमस डिलीजन इंजूरी के बहुत सारे रूब्रिक्स में है। नेक्स्ट ओब्रिक इज कम्प्लेनिंग वेकिंग ऑन दिस इज द लास्ट ओब्रिक ऑफ द वीडियो ओनली रेमेडी इज सीना बच्चा जैसे ही नींद से उठता है कंप्लेन करने लगता है इसका एक्सप्लेनेशन डॉक्टर केन ने अपने मटेरिया अमेरिका में दिया है वो लिखते हैं दिस पेशेंट इज डिस्टर्ब बाय एवरीथिंग वर्स आफ्टर ईटिंग इवन अ मॉडरेट मील द चाइल्ड टेक्स अ मॉडरेट सपर एंड ड्रीम्स ऑल नाइट जर्स एंड ट्विचर्स इन स्लीप राउजेज अप इन अ फ्राइट टॉक्स एक्साइटेडली अबाउट वॉट ही हैज़ ड्रीम्ड थिंग्स इट इज रियल एंड सीज डॉग्स फैंटम्स एंड फ्राइटफुल थिंग्स ही हैज़ ड्रीम्ड अबाउट द ड्रीम इज़ प्रोलॉन्ग into wakeful hours, screams and trembles with much anxiety on waking, whines and complains. इसका मतलब ये है कि बच्चा रात में कुछ खा लेता है तो वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसे पूरी रात डरावने सपने आते हैं बच्चा डर के उठ जाता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने सच में डॉग देखा भूत देखा और ये वो रो रो के बताता है कंप्लेन करता है इस रूब्रिक का मेटाफॉरिकल मीनिंग ये भी है कि जब जब तक पेशेंट को अपने बीमारी के बारे में पता नहीं होता है वो रिलैक्स रहता है उसे सिम्टम्स आते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देता लेकिन जिस दिन उसे पता लगता है या कोई उसे बताता है कि ये तो किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स हैं तो वो एकदम से जाग जाता है और डॉक्टर को बताता है कंप्लेन करता है